नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति गौर माँ गायत्री देवी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं दही कबाब, जिसे आप कोई भी डिप के साथ खा सकते हैं या चाय के साथ। आइए बनाना शुरू करते हैं। ये एक कटोरी हंकर्ड है, इसको हमने रात में एक सफेद कपड़े में कॉटन के बांध के टांग दिया था और उसका पानी पूरा निकल चुका है दही का। अब हमको ये ऐसा दही मिला है, इसके अंदर हम मसाले मिलाने वाले हैं। ये 2 चम्मच ब्रेड क्रम है, 1.5 चम्मच भुना हुआ बेसन है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन, ये 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर, इसमें एक छोटा प्याज काट कर डाल रहे हैं, ये शिमला मिर्च, ये 1 टेबल स्पून धनिया पत्ती, इसको भी हमने काट के डाल लिया है। अब इसको नमक डालते हैं 1/3 टीस्पून। अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये मिल चुका है, अब हम इसको कबाब का शेप देते हैं। ऐसे ही सारे डो का हम कबाब बना लेंगे। कबाब सारे बनकर तैयार हो चुके हैं, हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर तलते हैं। अब हम कबाब को डालते हैं, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। चारों तरफ से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेंगे। कबाब सीख चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से भी हम बना सकते हैं कबाब का शेप, आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा भी देना चाहें दे सकते हैं। हमको इसको तुरंत नहीं पलटना है, 2 मिनट इनको सिकने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। चारों तरफ से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। दही का कबाब बनकर तैयार है। इसके लिए हमको दही ज्यादा खट्टी नहीं लेना है और बाइंडिंग भी हमको अधिक मात्रा में नहीं डालना है, नहीं तो दही का स्वाद ही खत्म हो जाएगा। और जब ये बनता है तो ऊपर से करारा होता है और अंदर से मुलायम होता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप इसे अपने घर में बनाइए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भेजिए कि आपको कैसा लगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।